नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश और हम और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। रीजनिंग मेला, रेलवे लाइव टेस्ट, आपका स्कोर क्या है? देखिए आज के गेम का एक रूल है, ठीक है। रूल ये है कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ, आप सभी को अपना अपना स्कोर काउंट करके लिखते रहना। यानी कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए तो आप मुझे बताएंगे कि भाई 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है, ना 10 में से 10 रहा या फिर 10 में से सिर्फ 8 रहा, ठीक है। तो ये स्कोर आपको बताना है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको स्कोर आपको खुद से काउंट करना है। तो हर एक क्वेश्चन के बाद अपन स्कोर देखते जाएंगे उसका, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पारस, रोहिणी, पूजा, सोनम, अभय, अनुराग, सौरभ, मदन लाल, पुष्पा, ऋषभ, शर्मिला, तरुण, पूजा कुमारी, सौरभ वर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक गुप्ता, चलिए तो आज का जो स्कोर है वो आप मुझे बताते जाओगे, ठीक है। हर 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा, तो आप लोग मुझे अपना अपना स्कोर बताना और ईमानदारी से बताना। तो अपना स्कोर काउंट करते रहना कि आपने कितने सही के कितने गलत। दोस्तों 90 दिनों का एक शपथ प्लान हमने तैयार किया, जिसके तहत हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। आप सभी को पता है आप रोज आते भी है। ये 90 दिन का शपथ प्लान किससे आपसे आप देख सकते होंगे, यहाँ पर YouTube की क्लासेस मेरी सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेरी YouTube क्लासेस है। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते होंगे ये दोस्तों, क्या अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार प्लीज जल्दी से सभी लोग बता दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर है तो। अभी आवाज आ रही थी लेकिन बीच में शायद आवाज चली गई थी। अभी आवाज क्लियर है आप सभी को? अगर हाँ तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिए सभी लोग। आवाज क्लियर है अभी? ओके, थैंक यू। एक बार भाई एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता दो अगर वॉइस क्लियर है तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी डिले के। चलिए रेडी है सभी लोग? आ जाओ भाई, रेडी करते हैं। चलो ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे मैसेज का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लस कोर्स के बारे में बता दूं, प्लस कोर्स भी मेरा आ चुका है, 8 अक्टूबर से लाइव है। आपको जिसको भी बेसिक से पढ़ना है 8 अक्टूबर से प्लस कोर्स आ चुका है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 4410 का कोड याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि 4410 का कोड लगाकर ही आपको ये प्लस कोर्स मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इस प्लस कोर्स को ले चुके हैं, आप भी आ सकते हैं, बेसिक से पढ़ सकते हैं पूरा रीजनिंग मेरे साथ, ठीक है। आपको पता है कि भाई बेसिक का दम आपको पता है कि मुझे भी बहुत पसंद है और आपको भी, और बेसिक से ही होता जो भी होता है, ठीक है। आ रही है? आशीष कह रहे मुझे लगा मेरा फोन खराब हो गया। चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं, ये क्लास आज हुई थी 1 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। जिसने नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा, बेसिक था मिसिंग नंबर्स। और आज का सेशन शुरू हो चुका है। और यहां पर भाई सेशन शुरू करने से पहले मुझे आना पड़ेगा अपनी जगह पर, है ना। तो मैं अपनी जगह पर बैठ जाता हूं और फिर आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर मैं बैठ तो चुका हूं, बस यहां पर सही से विराजमान हो जाता हूं और ये मैं सही से विराजमान हो गया, ठीक है। चलिए तो यहां पर दोस्तों आप सभी को बता देना जल्दी से कि आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। और पहले ही क्वेश्चन एक तरीके से मेरी तरफ से आपके लिए गुगली है, क्या इस गुगली को आप झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते मैं देख सकता हूं, ठीक है। समय शुरू होता है अब। चलिए 20 सेकंड मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। समय शुरू हो चुका है, सभी लोग बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है जल्दी से। पहले ही क्वेश्चन गूगली है भाई,
बता सकते हैं तो बताइए आंसर जल्दी से, 20 सेकंड्स हैं आपके पास, ठीक है, सोच लिया, टाइम आउट। देखिए त्रिभुज, ट्राइफल, ट्रायथलम और एक है त्रिभाषी यानी कि ट्राइंगुलर। तो अब यहां पर बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है कि इसका आंसर होगा वन यानी कि ट्राइंगल, ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर थ्री। देखिए मैं बता दूं अब आपको यहां पर कितने लोग सही है और कितने लोग गलत। देखो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल गलत है, और लेकिन हाँ जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर थ्री दिया है, वेरी गुड बेटा, आप लोग भी बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन वन भी गलत है, ऑप्शन थ्री भी गलत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, ये विषम है। क्यों? देखिए त्रिभुज सबको पता है क्या होता है, त्रिभुज वो होता है जिसमें तीन साइड होती है, क्या होती है, तीन साइड, यानी कि हम तीन की बात कर रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर थ्री देखिए जरा, ये लिखा है ट्राइथलोन, आपको पता है एक मैराथन होता है, जैसे एक मैराथन होता है ना मैराथन, ऐसे एक ट्राइथलोन होता है जिसमें रेस होती है, ये रेसिंग का वर्ड है, लेकिन इस रेस में भी थ्री फेज होते हैं यानी कि तीन चरण होते हैं, ये भी तीन की बात कर रहा है। और ट्राइंगुलर आपको पता है कि भाई ट्राइलिंगुअल जो होता है वो त्रिभाषी यानी कि तीन भाषाएं, ये भी तीन की बात कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर टू जो है ना बेटा, ये तीन की बात नहीं कर रहा है। जो ट्रिफल है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसका बहुत कम इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि लेस इंपॉर्टेंस वाली चीज, उसको कहते हैं ट्रिफल, एक बात। और दूसरी बात, ट्रिफल जो है वो एक डेजर्ट भी हो, डेजर्ट मतलब समझते हैं, डेजर्ट मतलब कोई डिश, खाने वाली कोई डिश, उसको ब्रिटिश में या इंग्लैंड में खाया जाता है, ये एक तरह की कह सकते हो मिठाई, जैसे हमारे यहाँ डेजर्ट को मिठाई बोल, तो मिठाई या फिर डेजर्ट ये एक ठंडी मिठाई होती है जो कि ब्रिटिश और इंग्लैंड साइड में मतलब काफी खाया जाता है ट्रिफल। तो ट्रिफल को एक कोल्ड डेजर्ट भी बोल सकते हो, या फिर ट्रिफल का मतलब होता है एक ऐसा वस्तु या ऐसी चीज जिसका इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है, इसका तीन से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट आंसर विल बी ट्रिफल। चले आगे, समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। तो भाई पहले क्वेश्चन में हो गए क्या देर, अगर पहले क्वेश्चन में सबके सब फेल हो गए तो ये बताइए सभी लोग ईमानदारी से, क्या रहा आपका स्कोर वन आउट ऑफ वन, मतलब कि वन में से वन रहा कि नहीं। मैं आपसे पूछूंगा हर पांच क्वेश्चन के बाद मैं आपका स्कोर पूछूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन में मुझे बताइए ईमानदारी से किसका स्कोर रहा वन आउट ऑफ वन। अगर जीरो है तो जीरो बोलिएगा, वन है तो वन बोलिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। और जिस जिसका गलत हुआ ना वो लाइक करो, और जिसका सही हुआ वो भी लाइक करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और बताओ, ठीक है। ये को ईमानदारी से करना है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, मदन का भी जीरो आ गया, जीरो जीरो जीरो, रविशंकर वन। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, 20 सेकंड है आपके पास सिर्फ, जल्दी से बताओ इसका आंसर 20 सेकंड के अंदर, विषम वाला कौन सा है, सभी लोग फटाक से। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीरो आया है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ सर मेरा वन आया है, ईमानदारी से खेलना है बस, आज चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो ओके, 20 सेकंड खत्म हो गया, विषम कौन सा होगा आराम से। देखिए ई की वैल्यू वैसे तो 5 होती है, 5 में मैं 2 जोड़ दूं तो 7 आ जाएगा, है ना। एल की वैल्यू वैसे तो 12 होती है, 12 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 14, यानी कि हर एक की प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों यहां पर एन की वैल्यू 14 में 2 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 17 नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब यही वाला विषम ही दिख रहा है आपको, और आपको पता है एक्स की वैल्यू 24 प्लस 2 26, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा विषम हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, 20 सेकंड, भारत अगर मोर से संबंधित है तो ऑस्ट्रेलिया किससे होगा, वैसे 20 सेकंड का है नहीं, लेकिन फिर भी एक 20 सेकंड के अंदर आपको बताना है। और हर 5 के क्वेश्चन पर अगर मैं नहीं भी पूछूं तो प्लीज आप अपनी तरफ से हर 5वें क्वेश्चन पर आप सभी को मुझे क्या कर देना है, अपना स्कोर बताना है, ठीक है। हर 5 क्वेश्चन पर, यानी 5 में से आपका स्कोर क्या रहा, और ईमानदारी से आज मैं आपको जो भी 40 क्वेश्चन कराऊंगा देखते हैं। देखो पहले ही में सब फेल हो गए, तो 40 में 40 तो बहुत मुश्किल है, कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं। चलिए, भारत का अगर राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सही है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, सच बताओ नहीं पता है, यानी कि यहां भी स्कोर जीरो होने वाला है क्या, नहीं, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, वेरी गुड बेटा, जितने लोगों ने अभी 3 बोला है बहुत बढ़िया, आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर है गलत, 3 इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर है एमू, एमू जो एक चिड़िया है वो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय
चिड़िया होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। मजा आ रहा है, अभी मजा आएगा। देखो तीन क्वेश्चन हो गए, तीन में से अभी बहुत सारे लोगों का स्कोर सिर्फ वन होगा, सिर्फ वन। आप समझ लीजिए आज मैं आपको 40 क्वेश्चन देने वाला हूं, आपका स्कोर क्या है ये आपको चेक करना है, ठीक है? देखते हैं कौन रहेगा आज का विजेता। चलो टाइम आउट हो गया, आंसर बोलो। एफ की वैल्यू 6 होती है, लेकिन 6 से कितना लाना, 37 कैसे ला सकते हैं? अरे सर आसान है, 6 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 37 आ गया। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 9, 9 का स्क्वायर करो, 1 जोड़ो, जल्दी बोलो आंसर, 82। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर फोर दिया वो बिल्कुल सही है, इस बार तो सबका सही होगा। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद आप सभी को अपना अपना स्कोर बताना है मुझे, ठीक है? चलिए, दीपक ने दीपिका से कहा, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया, तो बताइए दीपक ने किसको हराया, जल्दी बताइए। समय शुरू होता है अब। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद जो आप लोग अपना अपना स्कोर बताने वाले हो वो तो भाई, चलो अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जितने भी लोग देख रहे हैं 330 लोग, आपको पता है कि नहीं, मैं एक काम करता हूं क्या कि लाइक करना किसी भी वीडियो पे बड़ा ही पुण्य का काम होता है, मतलब इस कलयुग में पुण्य कमाना है तो लाइक करो, और जो डिसलाइक करता है उसने तो वो तो भारी पाप कर दिया, घोर पाप, और जो कुछ नहीं करता है वो पाप का भोगी बन जाता है, उसके लिए कड़ाई गर्म हो रही है, उसको उल्टा तला जाता है, मैं नहीं तलता हूं ऐसा होता है, ऐसा किसी ने कहा था मुझसे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 138 लोग है जिन्होंने पुण्य कमा लिया है, 5 लोगों ने घोर पाप कर दिया है, कड़ाई तैयार हो गई है उनके लिए, ठीक है आते जाओ, और जिसने कुछ नहीं किया आपके पास अभी समय है, पुण्य कमा सकते हो, इसका आंसर बताओ। देखिए दीपक ने दीपक से कहा, कल मैंने अपनी दादी, यानी किसकी, दीपक की दादी, ये बताइए, दीपक की दादी मतलब दीपक के पिता की माँ, वही तो दीपक की दादी। कल मैंने अपनी दादी की बेटी, अब दादी की बेटी मतलब ये, और दादी की बेटी का इकलौता भाई मतलब दीपक का ही पिता, उसको हरा दिया, यानी दीपक ने किसको हराया, अपने ही पिता को हराया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि पिता हो जाएगा, सही है। चलो अब आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, 5 में से आपने कितने कमाए, 2 तो पक्के गलत किए होंगे ये तो मुझे पता है, तो 3 तो लगभग 90% लोगों का स्कोर आ गया होगा, है ना, सभी लोग बताइए। 4 में, अच्छा मेनका ने बोला सर मैंने 4 कर दिए हैं, हरीश बोला ठीक है 4 कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, नहीं बेटा अंकित कुमार फादर या अंकल नहीं होगा, या तो लगाने ही मत, आंसर इसका फादर ही होगा, क्योंकि जो बेटी थी दादी की उसका इकलौता भाई, भाई यानी एक ही होगा और कोई नहीं होगा फिर, और दीपक की दादी यानी उसके पिता की माँ, तो आंसर इसका फादर ही होगा। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, 20 सेकेंड्स, चलिए जल्दी से। तो यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5 में से 3, 5 में से 3, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 4 में से 5, लेकिन मुझे कोई 5 में से 5, हाँ दिखा एक, देखे मुझे आशीष वर्मा 5 में से 5, ईमानदारी दिखाना भैया। रंजीत ने भी बोला सर 5 में से 5, चलो भैया 5 में से 5 वाले भी हैं बहुत सारे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, समय समाप्त हो गया, आपसे क्या पूछा है, ब्राउन का कोड क्या होगा, तो देखो भैया ब्राउन कहां पर है, यहां पर, अगर ब्राउन यहां है तो ब्राउन का कोड भी यहां होगा, लेकिन कैसे पता लगाएं, तो देखो जरा इसमें कॉमन, देखो जरा ध्यान से, ये देखो सूप यहां भी है, सूप यहां भी है, तो अगर दोनों में सूप है तो दोनों में कॉमन क्या है, 8, हटाओ भैया क्योंकि सूप का कोड 8 हो जाएगा, तो 8 हटा दो। अच्छा ये बताओ इज यहां भी है, इज यहां भी है, तो इज और इज में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 5, देखो 5 यहां भी है, तो इज का कोड 5 आ गया, बचा क्या आपका ब्राउन, तो ब्राउन का कोड क्या हो जाएगा, BROWN का 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सही है। चलो आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, हालांकि ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपने मुझसे पूरी की पूरी सिलोजिज्म पढ़ी हुई है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं आप सभी को, सिलोजिज्म जो चैप्टर है जिसको न्याय निगमन बोलते हैं, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, ये चैप्टर अगर आप में से किसी को भी नहीं आता है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर पर लिखकर आपसे बोल सकता हूं, मेरा 10 वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर, 10 घंटे का वीडियो है, आप सिर्फ इतना स्टेप्स कर लेना, सिलोजिज्म बाय आकाश सर वाईफाई स्टडी, आपको वहां पर मिल जाएगा, सिलोजिज्म पढ़ लेना पूरा सिलोजिज्म, 10 वीडियो 10 घंटे की वीडियो, यानी कि 1-1 घंटे का, 1-1 कतरा कतरा क्लियर हो जाएगा, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूंगा। खैर इसका आंसर बताइए, देखिए
पिजिन का कुछ हिस्सा किसमें है, ईगल में है, सारे के सारे ईगल किसमें, स्पैरो में है यानी कि चिड़िया में, और कुछ चिड़िया किसमें भैया, अच्छा पिजिन में नहीं है, ठीक है। तो चिड़िया का हिस्सा जो है वो अपन हटा देंगे यहां से। आ जाओ भैया यहाँ पर देखो, स्पैरो का कुछ हिस्सा पिजिन में नहीं है, यानी कि स्पैरो का कुछ ऐसा हिस्सा है जो पिजिन में नहीं जा सकता, बट जरूरी नहीं वो कौन सा हिस्सा है वो नहीं पता हमें। कुछ स्पैरो पिजिन है, कुछ स्पैरो, हाँ भाई सही है, पहला वाला सही है। दूसरा, सभी पिजन स्पैरो हैं, ये बताओ सारे के सारे पिजन यानी कबूतर के स्पैरो में दिख, नहीं दिख तो नहीं रहा है, बट हाँ जा सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी में सही हो सकता था। सभी ईगल पिजन, क्या सारे के सारे ईगल पिजन, नहीं सर दिख तो नहीं रहे बट हाँ हो सकते हैं। आंसर बोलो, ओनली वन फॉलो, जितने भी लोगों ने ओनली वन फॉलो दिया वो बिल्कुल सही है। सारे के सारे पिजन ईगल में या ईगल पिजन में ऐसा तो नहीं दिख रहा है, आंसर होगा ओनली वन। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब 20 सेकंड्स, और बस इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर में, आप सभी को बताना है कि 10 में से आपने कितने किए। शिवा पटेरिया हेलो, कैसे हैं आप, ओनली वन फॉलो बिल्कुल सही था। वाशु शर्मा, मोना राठौर वेरी गुड, कपिल रावत बहुत बढ़िया, अलेक्जेंडर मैरी, पुष्पा चसीगल, रंजना रानी यादव, ठीक है। समय समाप्त हुआ, आंसर बोलो, ओनली आ गया भाई। ओनली में क्या करें, केवल जानवर काले हैं, मतलब पता है इसका क्या होता है, नहीं पता बता दूं, देखो सुनो, कभी भी ओनली आ जाए तो ओनली को पलट के लिख दो ऑल, लिख दिया, काले की जगह जानवर करो, जानवर की जगह काला करो, ये होता है, मतलब कि क्रॉस कर दो, लेकिन इसका और भी एक मतलब होता है। देखो, केवल जानवर काले हैं, मतलब केवल जानवर हैं जो काले में हैं, और कोई भी काले में नहीं जाएगा, यानी कि सारे के सारे काले यानी कि ब्लैक किसके अंदर आ जाएंगे, जानवर यानी कि एनिमल के अंदर, ये होता है ओनली का मतलब, ध्यान रखना इसको वरना गलती कर दोगे। एनिमल का कुछ हिस्सा किसमें है, कूल में है, और कूल का कुछ हिस्सा किसमें है, फैटी में है, तो ये हो गया भैया फैटी। सभी फैट किसमें है भैया, अच्छा फैटी को या फैट मान लो, ठीक है, फैटी को ही फैट मान लो, आप फैटी को या फैट मान लो या फैट को फैटी मान लो, तो सारे के सारे फैटी किसके अंदर आ गए, एलिफेंट के अंदर आ गए, सही है। चलो ये बताओ, सभी एलिमेंट सॉरी सभी एनिमल एलिफेंट में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर सारे एनिमल एलिफेंट में जाएंगे तो ब्लैक को भी जाना पड़ेगा, और ब्लैक कभी जा नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, पहला गलत। दूसरा बताइए, सम एलिमेंट आर कूल, क्या सोच एलिफेंट कूल में, हाँ भाई है, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉलो करेगा टू। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, 100% गलती वाला क्वेश्चन है, गुगली फेंकी है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं, ठीक है। चलो बताओ आंसर जल्दी से सभी लोग, बिल्कुल सही है बेटा, श्वेता गुप्ता, रानी आरा वेरी गुड, रंजना अग्निहोत्री, सोनू, मोना राठौर, मदन, अंजू, रंजना, यश, यश ने गलत कर दिया यार, याशी सॉरी याशी ने गलत कर दिया बेटा, इसका डी नहीं होगा, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो सर जा सकते, नहीं बेटा, जब ओनली का केस होता है केवल, केवल में नहीं होता कभी, समझ गए। चलो देखो यहां पर दोस्तों, यहां पर हिंदी में 12√2 कर लेना, ठीक है, हिंदी में भी 12√2 कर लीजिएगा, इंग्लिश में 12√2 दिया है, हिंदी में भी 12√2 कर लेना, आंसर बोलो। निशि उत्तम, हेलो सर, आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम आलमबाग, सो निशि मैं आपके नाम से तो नहीं पहचान पा रहा हूं, बट आपका फेस बहुत छोटा सा है, अगर बड़ा सा होता तो मैं जरूर पहचानता, वेलकम निशि, थैंक यू सो मच। आलमबाग इज इन लखनऊ, मैं आप लोगों को बता दूं जिसको नहीं पता है तो। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आंसर आ रहा है वेस्ट 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 वेस्ट, बहुत सारे लोगों ने वेस्ट दिया है। चलो एक काम करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है, और बनाने के बाद फिर आप लोगों का आंसर गलत करवाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ए दिया है, बहुत सारे लोगों ने वेस्ट दिया है, चलिए इसको बनाते हैं फिर आप लोगों का आंसर गलत करवाते हैं। ये बताइए, रोहन जो है वह पूर्व दिशा में जाता है कितना, देखो रोहन जा रहा है पूर्व दिशा में, चला गया पूर्व दिशा में, हाँ भाई चला गया, कितना गया, ये गया 12√2 चला गया, यहां से वो दक्षिण पश्चिम में यानी कि 45 डिग्री चला गया, कहां पर, दक्षिण पश्चिम, कितना 12 चला गया, चला गया, और यहां से वो उत्तर पश्चिम में निकल जाता है, कितना 12,
मैंने बोला भैया ये इसी पॉइंट पर आ जाएगा, बोलो क्यों? क्योंकि ये भी बाहर आ गया है और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कितना है, ये भैया नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, और ये क्या है आपका साउथ वेस्ट है। अच्छा बताओ, जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो एक पाइथागोरस लगता है, तो मुझे बताइए 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 12 अंडर रूट 2 ही तो होगा। यानी कि ये जो आपको डिस्टेंस दिया ये बिल्कुल बराबर बैठेगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी ये बंदा जहां से चला था ये वापस उसी पॉइंट पर आ गया है, एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें भी मुंह की खा गए, और अगर खा गए तो चलो फिर अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, और इस क्वेश्चन के बाद आप सबको बताना अपना स्कोर कि आपने कितना स्कोर किया 10 में से, ठीक है, ईमानदारी से। मनीष, लाइव क्लासेस का इंक चाहिए सर, इंक चाहिए कि लिंक चाहिए, पहले बताओ, इंक चाहिए कि लिंक चाहिए, लिंक चाहिए तो जरूर दे देंगे। चलिए, अब ये तो यार डायरेक्ट कोडिंग है, क्या है ये, डायरेक्ट कोडिंग, और डायरेक्ट कोडिंग में क्या करते हैं, यानी कि ओ की वैल्यू 6 है तो वो डायरेक्टली 6 लिख दिए, तो यहां भी क्या लिखोगे आप, 6 लिखोगे। डी की वैल्यू बोलो जल्दी से, डी की वैल्यू 3 आएगी तो 3 रख दीजिए, रख दी भाई, 3 6 के, अरे एक ही में तो है 3 6, ऑप्शन नंबर सी में लगा दो, ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो यहां पर 10 क्वेश्चन खत्म होते हुए सभी लोग बताइए आपका स्कोर क्या रहा 10 में से, ईमानदारी से। ठीक है, चलिए चले आगे, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समय शुरू होता है अब, लेकिन एक बार अपना अपना स्कोर बताइए सभी लोग, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं कलयुग की। कहानी यह है कि बोला जाता है कलयुग में जो भी लाइक करता है वीडियो को वो पुण्य का काम करता है, और जो डिसलाइक करता है वो घोर पाप करता है, उसके लिए कड़ाई तैयार हो रही है, गर्म हो रही है, और जो ना लाइक करता है ना डिसलाइक करता है वो पाप का भोगी बन जाता है। तो अगर आपको पाप का भोगी नहीं बनना है तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, मजा आ जाएगा। ये मैंने पढ़ा था, ये चौथे वेद में लिखा हुआ है कहीं पर, ऐसा कहीं पर कुछ था ना, 4 वेद होते हैं ना हमारे, उसमें कहीं पर लिखा हुआ है। तो एक बार भाई सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये बताओ, देखो इसमें पहले तो हम मेंशन कर दें कि कौन कौन सी बातों में कहां का क्या क्या लिखा हुआ। देखो ट्राइंगल जो है आपका वो क्या है, ट्राइंगल जो है वो हेल्दी पीपल, यानी कि स्वस्थ लोग, ठीक है, हेल्दी पीपल। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर जो भी आयत जैसा जो बना हुआ स्क्वायर वो क्या है, वो है ओल्ड, यानी कि पुराने लोग, मतलब कि बूढ़े लोग। और सर्कल क्या है भाई, सर्कल, सर्कल है आदमी, अच्छा वो आदमी है, ठीक है, ये आदमी हो गया और ये ओल्ड पर्सन हो गया। ठीक है, मुझे बताइए कि वो आदमी जो हेल्दी है बट ओल्ड नहीं है, ये बताइए, वो आदमी जो कि हेल्दी है बट ओल्ड नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को, ये बात क्लियर हो रही है। ये बताओ वो आदमी जो कि हेल्दी है लेकिन ओल्ड में नहीं आना चाहिए, तो ये आएगा मात्र 2। तो यहां पर हेमराज ने बोला सर मेरे 8 सही हुए 10 में से, वेरी गुड हेमराज, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2। चलें, चल आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। समय, देखो आरती बात तो सही है कि ये बात अच्छी नहीं है, बार बार नहीं कहनी चाहिए, तो एक बार पुण्य कमा लूं, मैं बार बार कहूंगा नहीं आपसे, ठीक है, चलो एक मजाक है, मैं बोलूं तो गैस बंद करवा दूं, बोलो अच्छा ठीक है, चलो मैं कढ़ाई उतरवा देता हूँ, गैस वैस बंद करवा देता हूँ, और मना करवा दूंगा कि आरती को बिल्कुल भी नहीं उठाना है वहां से। चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से, समय शुरू होता है अब। एक महिला को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा कर, पॉइंटिंग टू वुमेन, अच्छा एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इन अ फोटोग्राफ, एक महिला को एक तस्वीर की ओर, एक महिला जो है वो तस्वीर में है, ठीक है, इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी, महिला पुरुष से कैसे संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। यहां पर देखिए महिला कहां पर है, जो फोटो है, और इशारा करते हुए कौन कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है कि वो फोटो में कौन है, फोटो में मेरे पिता, मेरे मतलब किसके, उस पुरुष के, मान ली ये आदमी है, इसने बोला मेरे पिता
मेरे पिता की सास, तो भैया मेरे पिता की सास मतलब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरी नानी एक तरीके से हो जाएंगी, है ना। तो मेरे पिता की सास यानी कि इसकी वाइफ की माँ, मेरे पिता की सास की इकलौती जो बेटी है ना, ये यही है वो महिला जो फोटो में, तो ये उस पुरुष की कौन है, ये उस पुरुष की माँ लगेगी यानी कि मदर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल सही है, यानी कि मदर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मेरी डेली क्लासेस का स्क्रीनशॉट है और ये मेरा नया बैच आ रहा है 8 अक्टूबर से, प्लस कोर्स है, जिसको भी करना है बेसिक से पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब, और सभी लोग तैयार है ना, 15 क्वेश्चन के बाद आपको बताना है कि 15 में से आपका स्कोर क्या रहा आज, ठीक है। 40 क्वेश्चन देने वाला हूं पूरा, सर मुझे आपकी आवाज रिपीट हो रही है तो एक कान से सुनो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अजय मैंने कल बताया था कि क्लास जो है वो सैटरडे को 10 बजे और संडे को 9 बजे होती है। देखो भाई आसान सा क्वेश्चन है, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना था कि भाई 4 था ये 3 था, तो 3 और 4 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 7 आएगा और 7 का स्क्वायर कितना, 49। तो ये तो बात क्लियर हो गई। ये 8 था ये 5, 8 5 13, 13 का स्क्वायर, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां देखो भाई 10 और 9 19, 19 का स्क्वायर 367 लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, और ये 100% गुच्छा वाला क्वेश्चन है। गुच्छा समझते हो, गुच्छा हो जाएगा इसमें, मतलब उठा के ऐसा गुच्छा कर दिया मैंने इसमें, तो ये 100% गुच्छा वाला क्वेश्चन है, ये गलती हो सकती है, ठीक है। 20 सेकंड का समय, बताइए सभी लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो यहां पर समय समाप्त हो चुका है। क्या आप लोगों को पता चला कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो बता देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये 8 था ये 5 था, 8 का गुणा जरा 5 में करिए, 8 5 40, ये 3 है ये 4 है, तो भाई 3 का गुणा जरा 4 में करो, 12, और 40 में 12 घटा दो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आगे आ जाओ, 12 का गुणा 7 में करेंगे तो 12 × 7 यानी कि 84, और माइनस करेंगे 72, तो बताओ जरा कितना मिलेगा, 12। क्यों, क्योंकि 9 × 8 कितना होता है, 12। अब दिक्कत यह है कि आपको ए रखना है कि सी रखना है कि डी रखना है, यानी यहां पर जो वैल्यू रखो क्या रखोगे। देखो भाई सभी लोग देखो, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 × 3 = 15, और माइनस करना है यहां पर क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई बाय 6 और लाना कितना, 21। ये बताओ मैं 15 में क्या घटा दूं कि मुझे 21 मिल जाए, बात समझ रहे हो, 15 में क्या घटा दूं कि मुझे 21 मिल जाए। तो आप कहोगे सर 15 में घटा दो आप माइनस का -6 तो 21 मिल जाएगा, यानी यहां पर आपको -1 रखना पड़ेगा, जब -1 रखोगे तो आंसर आपका 21 आएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि -1, बिल्कुल सही है। मजा आ गया, चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, गुच्छा वाला क्वेश्चन है, लेकिन जिसको ट्रिक पता होगी वो जल्दी से कर देगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 100% गुच्छा, तो देखते हैं भाई गुच्छा होता है कि नहीं होता है, और यही वो क्वेश्चन है जहां पर आपको बताना है कि आपका स्कोर 15 में से क्या रहा, सभी लोग बताइएगा, बिल्कुल सही है। क्या आप लोग एक बार दिल से लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है तो सभी लोग कर दीजिए। ये क्या कर दिया भैया तुम लोगों ने, 29-30 लोगों ने डिसलाइक कर दिया, अरे यार तुम गंदी बात करते हो, पढ़ते भी हो यहाँ पर डिसलाइक भी करते हो, मैंने कढ़ाई बंद करवा दिया, मैं नहीं ले जा रहा हूँ किसी को, क्यों परेशान हुआ, बंद कर दिया मैंने, बोल दिया कढ़ाई बंद करके रख दो, किसी को नहीं तला जाएगा, आप पुण्य करो चाहे पाप करो कोई बात नहीं, आप करो जो भी करना करो, ठीक है करो, बस पढ़ो आंसर दो जो भी है, बताओ आंसर जल्दी से, तुम भी अपना काम करो, चलो आंसर बोलो जल्दी से। 38 38 38 40 40 38 32 40, नहीं आ रहा ना समझ में, मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से दोस्तों सभी लोग, देखो
यहां पर लिखा है, इसको मैं यहां पर बना देता हूं जिससे कि आप समझ जाओ आराम से, ठीक है। ये देखो, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन चार। अब सुनो, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, ये देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच। देखो करने का तरीका क्या होता है, एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। यहां पर चार लिखा है, इस चार को नीचे ले आओ, इस पांच के साथ में क्रॉस कर दो यानी गुणा कर दो, तो क्या कर दोगे, चार पंचे बीस, बीस आ गया, ठीक। अब देखो क्या जोड़ना है, तीन को ले आओ यहां पर, चार को ले यहां पर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चार तिया बारह, तो बारह जोड़ दिया, जोड़ दिया, यहां आ जाओ, दो का गुणा कर दो इसमें यानी कि तीन में, तीन दुनी छह, तो छह जोड़ दिया। और अब क्या करोगे, जल्दी बताओ, एक का गुणा करोगे दो में और इस एक वाले को छोड़ दोगे, यही इसका तरीका है। तो यहां पर दो का गुणा एक में यानी कि दो, जरा सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, चालीस आ रहा है, तो जितने भी लोगों का चालीस आया वो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि चालीस, सही है। ये ट्रिक समझ में आई, इस ट्रिक के लिए तो लाइक कर सकते हो, गुच्छा कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है, अब आयतों की तुलना में कितने अधिक त्रिभुज हैं, क्वेश्चन समझ लेना फिर करना, रेक्टेंगल्स की तुलना में कितने ट्राइंगल ज्यादा हैं, बात समझ रहे हो, रेक्टेंगल की तुलना में कितने ट्राइंगल ज्यादा हैं, बताइए आंसर, ठीक है। यहां पर निशांत, लोकेश, निशि, पारस, दीपू, मनीष, अमित कुमार, श्वेता, स्वाति, कल्याण, अलका, श्रद्धा, राजकुमार, सुमन, रमाकांति, राजेंद्र कुमार, सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पवन, पूनम, मधुर, सभी का आंसर सही है। अब ये बताओ कि यहां पर क्या आंसर देना है आपको, सही। देखो भाई, यहां पर कुछ लोगों का आंसर क्या आ रहा है, यहां पर कुछ लोगों का आंसर आ रहा है पांच, है ना, कुछ लोगों का आंसर पांच आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर चार आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर तीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि टोटल रेक्टेंगल कितने हैं और रेक्टेंगल की तुलना में कितने अधिक ट्राइंगल है, तो टोटल कितने रेक्टेंगल है, चलो देखते हैं। अच्छा देखो, इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे। सबसे पहले बताओ, ये आपको अंदर वाला दिख रहा है छोटा सा, जो आंखें बनी हुई है, ये जो मैंने लाल कर दिया, एक तो ये मिलेगा और एक मिलेगा ये वाला दूसरा, दो हो गए, दो के बाद दोस्तों एक मिलेगा ये वाला, दो और एक तीन, तीन हो गए, और तीन के बाद एक मिलेगा ये वाला, देखिए तीन और एक चार, चार हो गया, और दोस्तों एक सबसे बड़ा वाला, चार और एक पांच, यानी कि टोटल जो हमें रेक्टेंगल मिले वो पांच मिले। अब पूछा जा रहा है कि भाई रेक्टेंगल की तुलना में ट्राइंगल कितने ज्यादा हैं, तो जरा ट्राइंगल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल देखने के लिए मैं जरा इनको हटा देता हूं। चलो बताओ भैया ट्राइंगल कितने हैं, सभी लोग देखते हैं ध्यान से। देखो एक ट्राइंगल तो ये अंदर मिल रहा है छोटा सा, इसको मैंने लाल कर दिया, एक हो गया, एक के बाद दोस्तों एक मिलेगा ये वाला दो, दो के बाद एक मिलेगा ये वाला तीन, तीन के बाद एक मिलेगा ये वाला चार, चार के बाद एक मिलेगा ये वाला पांच, पांच ट्राइंगल हो गए। लेकिन अब मैं आपको एक और दूसरे कलर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना, पांच के बाद सभी लोग देखिए, पांच के बाद एक मिलेगा ये वाला छह, मिल रहा है, और छह के बाद एक मिलेगा ये बड़ा वाला छह और एक सात, सात हो गए, और सात के बाद दोस्तों एक मिलेगा ये भी बड़ा वाला सात और एक आठ, कितने हो गए आठ, टोटल ट्राइंगल आठ आ गए। तो ये बताइए कि रेक्टेंगल की तुलना में कितने ट्राइंगल अधिक है, तो आपको सर आठ माइनस पांच यानी कि थ्री इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने भी थ्री आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, थ्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समय शुरू होता है अब, इस क्वेश्चन में आप लोग गुच्छा खा सकते हो, गुच्छा समझते हो ना सभी लोग, क्या होता है गुच्छा, 100% गुच्छा वाला क्वेश्चन है, गुच्छा होता है कि किसी को एकदम पटक के दबा देना गुच्छा, और इसमें मैं दबा सकता हूं आपको, गुगली फेंक दी मैंने, ठीक है। बताइए सभी लोग आंसर जल्दी से, 37, 10, 79, 16 और 48 और आगे क्या आएगा, बता सकते हो तो बता दो।
और इसके बाद 20वें नंबर क्वेश्चन पर आपको बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया, आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है, 20 में से आपका स्कोर क्या रहा। देखिए दोस्तों समय समाप्त हो गया है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये देखिए 37 लिखा है, एक्चुअली में 3 + 7 कर दो, 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, होता है, आगे आ जाओ, 7 और 9 को जोड़ दो, 7 + 9 कितना होता है, 7 + 9 = 16 होता है, 16 आ गया। देखो आगे चलो, 4 और 8 को जोड़ दो, ये आएगा आंसर 12, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 12। मुझे पता है कि आप लोगों ने कुछ और ही सोचा होगा, लेकिन वो आंसर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर है इसका 12, 22 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, 20 सेकेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, अगर आपको मजा आ रहा है तो, ठीक है सभी लोग। समाप्त, गुच्छा तो नहीं हुआ। चलो देखो ये बताओ, -4 से 3 लाना, कितना जोड़ दूं, आप कहोगे सर इसमें जोड़ दो 7, तो -4 में 7 जोड़ो तो 3 आएगा, भाई -4 + 7 कितना हो जाएगा, 3। अच्छा 3 से 11 लाना है तो क्या करें, आप कहोगे सर इसमें एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं -14 कर दूं, देखो भैया -14 + 3 बराबर कितना होगा, -11, यानी आप समझ गए ना, एक बार 7 एक बार 14, तो अगला क्या होगा वो आप खुद ही बता दोगे, सर 21, तो अगला क्या होगा आप कहोगे सर 28, क्यों, क्योंकि ये 7 का पहाड़ा चल रहा है, 7 14 21 28, लेकिन पहले प्लस किया फिर माइनस किया, तो फिर से प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो बताइए -28 और +10 बराबर कितना बचेगा, -18, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही है, -18 आएगा, -18। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, 19वां नंबर क्वेश्चन है, 20वें नंबर पर आपको मुझे बताना है कि 20 में से आपका स्कोर क्या रहा, सभी लोग बताएंगे ईमानदारी से, ठीक है, जितने लोगों ने भी जितने दिए हैं आप अपना स्कोर बताएंगे मुझे। चलिए चलो आंसर बोलो, टाइम आउट हो गया, ज्वालामुखी, सुनामी, बवंडर और विस्फोट, ये सभी अगर मैं बात करूं इन तीनों की, ये क्या होते हैं, इनको नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, डिजास्टर, लेकिन विस्फोट जो है ये प्राकृतिक नहीं होता, बम का विस्फोट हो सकता है, कुकर फट गया उसका विस्फोट हो सकता है, बहुत सारे विस्फोट होते हैं, ये नेचुरल नहीं होता है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी वाला सही है। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, ट का कैलेंडर किस वर्ष से समान होगा यानी कि सेम, अगर आपने कैलेंडर पढ़ा होगा मुझसे या कहीं से भी बेसिक आप जानते होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मात्र और मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर बता सकते हो, तो बताइए आंसर क्या होगा सभी का सही, ठीक है, तो यहां पर आंसर आप सभी का आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन यहां बताओ इसका क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया हुआ है, याद रखिएगा कि 2007 के जस्ट पहले का लीप ईयर लिख लो, कौन सा होता है 2004, कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है, तो जब भी अगर 3 साल का डिफरेंस होता है तो हम इसमें कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं, ये मैं हवा में नहीं बता रहा हूं, जब मैंने बेसिक का कैलेंडर पढ़ाया है तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक प्लस इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था कि क्यों हम 11 जोड़ते हैं, अगर आपको पता करना है कि क्यों हम 11 जोड़ते हैं तो आप सभी लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा बेसिक का दम कैलेंडर बाय आकाश सर, ठीक है, इसको सर्च कर लेना, आपको ये वीडियो मिलेगा, इसको देख लेना, पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तो यहां पर जोड़ दीजिए 2018 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, 20 सेकंड का समय आपके पास, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, इसको भी मैंने आपको करने को बताया बेसिक से, कैसे, जितने भी आपको लेटर और डैश दिख रहे हैं सबको जोड़ लो, कितने आ रहे हैं टोटल जोड़ने पर, जोड़ लीजिए सभी लोग जल्दी से, यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने आंसर्स, पिछले वाले क्वेश्चन का सही है, इस वाले का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से, ठीक है 16 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 16 आ रहे हैं, ठीक है 16 टोटल कितने आए 16,
तो टोटल अगर जोड़ने पर 16 आता है, 16 का मतलब होता है कि चार चार के चार पेयर बना लो, बना ले, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और एक दो तीन चार जोड़ दिया। तो देखो जब हमने चार चार के चार पेयर बनाए तो हम इसमें एक बात कह सकते हैं, देखो यहां भी लास्ट में एच है, यहां भी लास्ट में एच है, एच से पहले जे है, जे से पहले आई है, तो एच से पहले जे, जे से पहले आई, तो आई एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच और एच आई जे एच। तो करेक्ट आंसर बोलिए सभी लोग क्या होगा, आई एच जे आई, आई एच जे आई, आई एच जे आई, आई एच जे आई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब जैसा पहले वाला किया वैसे अभी वाला कर लो। क्या करना है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर काउंट करना है और उसका आपको गुच्छा बना लेना, यानी कि पेयरिंग कर लेनी है। सभी लोग करिए इसमें जल्दी से। पहले वाले में 16 बने थे यानी चार चार के चार, इसमें कितने बन रहे हैं? ठीक है, पहले वाले का आंसर सही है ए, इसका बताओ। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और 16, यहां पर भी टोटल जो एलिमेंट हमारे पास आए हैं वो 16 आए हैं। जब भी 16 आते हैं तो हम उसको चार चार के चार पेयर में डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपको पूरा बेसिक देखो पढ़ाया हुआ है, रीजनिंग मेला एक प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन की वैरायटीज होती है, कुछ बेसिक भी है, कुछ चीजें हम समझते हैं, लेकिन पूरा बेसिक पढ़ना है डिटेल में। तो पूरा बेसिक डिटेल में पढ़ने के लिए दोस्तों 8 अक्टूबर से मेरा नया बैच आ चुका है प्लस पर, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर। बस आपको चतुर्वजीरो का कोड यूज करना है और SSC गोल के अंदर प्लीज लीजिएगा, आपको अगर किसी को भी लेना है SSC के गोल के अंदर ही मेरा हमेशा बैच आता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर 16 था, 16 यानी कि चार चार के चार बना देते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और एक दो तीन चार और एक दो तीन चार, काट दिया। ये बताइए क्या पहला वाला दूसरे रिपीट नहीं हो सकता? क्यों, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला वाला दूसरे से इसलिए रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि पहले में जेड है दूसरे में डब्ल्यू, लेकिन पहला वाला तीसरे से रिपीट हो रहा है। देखिए ये भी जेड से स्टार्ट है, ये भी जेड से स्टार्ट है, देखिए जेड के बाद वाई है तो यहाँ भी जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स आ रहा है, एक्स के बाद डब्ल्यू, तो यहाँ भी एक्स के बाद डब्ल्यू हो जाएगा, सही है। और दो का रिपीटेशन फिर चार से होगा, ये तो ऑब्वियस है, बता चुका हूं। तो डब्ल्यू का एक्स आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आंसर बोलो जल्दी से, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। देखो पांच पुस्तकें हैं, अलग अलग वजन की हैं, एलजेब्रा भारी है केमिस्ट्री से और बायोलॉजी भारी है जीए से, एनवायरमेंट की बुक जो है वो हल्की है बायोलॉजी से बट भारी है केमिस्ट्री से, और जीए की बुक जो है वो हल्की है केमिस्ट्री से, तो बताइए सबसे हल्की बुक कौन सी होगी। समय समाप्त हुआ, चलिए इसको करते हैं। देखिए दोस्तों सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपकी एलजेब्रा वाली बुक है वो भारी है केमिस्ट्री की बुक से, लिख लिया, और बायोलॉजी की बुक भारी है, देखिए बायोलॉजी की बुक भारी है जीए से, भारी का मतलब ज्यादा, तो मैंने ज्यादा का सिंबल बना दिया। एनवायरमेंट की जो बुक है, यहां लिख लेता हूं अलग से, जो एनवायरमेंट की बुक है ENVI वो हल्की है, अच्छा ये हल्की है, किससे हल्की है, तो हल्की है तो मुझे यहां पर आगे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो एनवायरमेंट की जो बुक है वो हल्की है आपकी बायोलॉजी से, ठीक है, तो यानी कि वो बायोलॉजी के पीछे आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो भारी है किससे, केमिस्ट्री से, लेकिन वो केमिस्ट्री से भारी है, केमिस्ट्री से भारी हो गई। आगे लिखा है कि जीए की बुक जो है वो हल्की है केमिस्ट्री से, अच्छा ये बताइए जीए की बुक जो है वो भारी है केमिस्ट्री से, लाइटर है सॉरी, हल्की है, यानी कि वो केमिस्ट्री से भी हल्की है। तो एक बात बताइए दोस्तों, यहां पर जीए की बुक सबसे लास्ट में आ गई, फिर केमिस्ट्री, फिर एनवायरमेंट, फिर बायो, लेकिन ये बताओ एलजेब्रा की किताब जो है वो केमिस्ट्री से भारी होगी, तो हो सकता है एलजेब्रा यहां पर आए, हो सकता है यहां पर आए, हो सकता है सबसे आगे आए, और बायोलॉजी की बुक जीए से ज्यादा है जो कि ऑब्वियस ही बात है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि एलजेब्रा की बुक कहां पर आएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि एलजेब्रा की बुक जहां भी आएगी वो सबसे पीछे तो नहीं जा सकती, तो सबसे हल्की किताब आपकी जीए की ही हो जाएगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीए, सही है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर। डिस्कवरी शब्द में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं जो कि वर्णमाला में उनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने यहां पर हैं, कराया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार,
इस तरीके का बताया आपको कैसे करना होता है, बताइए आपसे सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ काफी लोगों के आंसर सही हुए हैं। एक बार मैं दिल से दबा के लाइक कर दीजिए सभी लोग अगर मजा आ रहा है तो। चलो, डिस्कवरी, डी आई एस सी ओ वी ई आर वाई, क्या करते हैं? मेरा तो तरीका ये कि भाई इसकी वैल्यू लिख लो। वैल्यू लिखने से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन और आपको दिखने लगता है कि हमें आगे क्या करना है। लिख ली, देखो चार के बाद पांच छ सात आठ नौ दस, या नहीं मिला छोड़ दो, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, नहीं मिला छोड़ दो, अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, कहाँ चला गया ये? अरे यार उन्नीस लिखा है, अठारह लिख दिया, ये उन्नीस आएगा, एस की वैल्यू 19 हो जाएगी। ठीक है, बाकी वैल्यू सही है? हाँ सही है। चलिए ये बताइए 19 के बाद 20 21 22, यानी कि एक तो मिल गया ये वाला, ठीक है, 23 24 25 एक और मिल गया देखो ये वाला, तो दो ये हो गए। ठीक है, तीन के बाद तीन चार पांच छह है, तीन चार पांच छह नहीं छोड़ दो, 15 16 17 18 एक मिलेगा आपको ये वाला, मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा, तीन ये मिल गए। और 15 के बाद 15 16 17 18 22 के बाद 22 23 24 25 एक मिलेगा आपको ये वाला चार, और पांच के बाद कुछ नहीं मिल रहा 18 के बाद। बैकवर्ड से देखिएगा क्योंकि हमने फॉरवर्ड से देखिए, अब हमें कहां से देखना? बैकवर्ड से। जब हम इसको बैकवर्ड से देखेंगे तो 25 के बाद कोई नहीं है, 18 के बाद नहीं मिलेगा, पांच के बाद पांच छह सात नहीं मिलेगा, 22 के बाद कोई बड़ा नंबर नहीं है, 15 के बाद तीन के बाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर इसका चार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, लगाइए आंसर जल्दी से फटाक से। बिल्कुल सही है, गौरव प्रजापति, दीपक यादव, राजकुमार, दीपा विश्वकर्मा, मेनका यादव, सॉरी मेनका गुप्ता, अंजना, दीपक कुमार, दीपू, लिटुन, तरुण, खुशबू, देविका, नाज, सुमन, डब्लू, रीना, भारत, मोना राठौर, रश्मि, अंजलि, बहुत सारे लोगों का सही है, प्रिया, भारती, मंटू, जतिन, दिनेश, ठीक है, आशीष, रुचिप, इसका बताओ कैसे करोगे? ये क्या है? ये है तीन का स्क्वायर प्लस तीन, नौ तीन बारह, और ये क्या है? ये है चार का स्क्वायर प्लस चार, तो फिर ये क्या है? ये है पांच का स्क्वायर प्लस पांच, तो फिर आगे क्या आएगा? छह का स्क्वायर प्लस छह, यानी कि बयालीस। बोलो आंसर बयालीस आया कि नहीं आया सभी का? एक बार क्या आप लोग मुझे स्क्वायर अपना स्कोर बता सकते हैं? पच्चीस में आपने कितने सही किए? सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइए, पच्चीस में आपने कितने सही किए? ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, समय शुरू होता है अब, बीस सेकंड का समय है, आपको बताना है कि जो वर्ड आपको दिया है इसके अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तरुण ने दे दिया अपना स्कोर 25 में 16, आशीष वर्मा 25 में 23, वेरी गुड बेटा, मेनका गुप्ता 25 में 20, शर्मिला 25 में 22, क्या बात है भाई। चलो इसका आंसर बोलो, देखो लाइम बनाया जा सकता है, बीम बनाया जा सकता है, पेबल मुश्किल है, नहीं, क्यों? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्यों? क्योंकि पेबल में हमारे पास दो बी आ रहे हैं जबकि हमारे पास सिर्फ एक ही बी है, ये नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सही है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, क्या बताना है आपको? एल ओ वी ई, लव का कोड क्या होगा? मैट्रिक्स। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाई हुई है पूरी बेसिक से, बता सकते हो आप इसका आंसर आराम से, बताइए आंसर क्या होगा? एल ओ वी ई, लव, जल्दी बताओ आंसर फटाक से, आगे चलते हैं फिर, समय समाप्त हुआ, चलिए आंसर बोलिए। देखो लास्ट वाला चेक मत करना, क्योंकि लास्ट वाले में अगर हम चेक करते हैं, देखो अगर लास्ट वाले का, देखो 86 वाला चेक कर लो, 86 क्योंकि अकेला है ना, 86 पे देखिए भाई, 86 पे ए आ रहा है, गलत कर दो, ऑप्शन भी कभी नहीं हो सकता, हटा दो, अब तो 68 आना ही आना है। अच्छा अब जरा स्टार्टिंग से चेक करो, जरा 23 पे एल है क्या? 23 पर एल है गया यार। 99 पे चेक करो, 9999 पे एल, ये भी है यार, 14 पे ये भी है,
वन टू पे चेक करो, वन वन टू पे वन टू वन टू वन टू गलत हो गया, वन टू पे नहीं मिल रहा है, पहला गलत दूसरा गलत। सी वाला चेक करो, नाइन एट पर ओ मिल रहा है क्या, नाइन एट पर नहीं मिल रहा है, गलत कर दो इसको भी, आंसर होगा डी। तो जितने लोगों का भी आंसर डी आया वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, बताइए आंसर फटाक से सभी लोग। पिंकू जी सी ऑप्शन नहीं है, डी है। सुधीर आपका आंसर सही है 42, जो कि बहुत पहले वाले क्वेश्चन का था, आपने अब दिया है आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि सभी शब्दों को वर्णमाला के हिसाब से हम सजा दें या अरेंज कर दें तो बीच में कौन सा शब्द आएगा, तो क्या करेंगे आप, देखिए इसको करने का सिंपल एक तरीका है, एक दो तीन चार पांच, देखते हैं भाई कौन सा किस नंबर पे कौन सा आता है। ठीक है, मेरे हिसाब से सब में सी है छोड़ दो आगे चलो, सब में आर है छोड़ दो आगे चलो, सब में यू है छोड़ दो आगे चलो। अब देखो इसमें आई आया है, इसमें यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, तो ये बताइए सबसे पहले कौन आएगा, आई यानी कि फर्स्ट वाला आ गया। ठीक है, अब जरा आगे चलो, इन बाकी में सबसे पहले कौन आएगा, देखो यहां भी पी है, यहां पर एस है, यहां पर डी है और यहां पर एम, तो अब आएगा चार नंबर वाला, क्योंकि डी पहले आता है तो चार नंबर वाला आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों पांच वाला आएगा, पांच वाला मुझे नहीं लगता कि आगे आपको चेक करने की जरूरत है, क्यों, आपको बताना है बीच में कौन आएगा। भैया मेरे टोटल अगर पांच है, पांच में से दो इधर, बीच में पांच नंबर आ जाएगा, तो पांच नंबर पे कौन सा क्रम, तो सी आर यू एम बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्रम। जितने लोगों ने भी आंसर पांच दिया वो बिल्कुल सही है, क्रूड जिसने आंसर दिया वो गलत हो जाएगा, क्रूड जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है ना कि वो बीच में आ रहा है। देखो मुझे नहीं पता यहां पर कौन आएगा, ना तो मुझे चेक करने से मतलब है, क्यों, मुझे स्मार्ट वर्क करना है आपके एग्जाम में, आपको एफर्ट लगा के टाइम वेस्ट नहीं करवाना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है कि भाई अगर टोटल पांच अल्फाबेट है, सॉरी पांच अगर वर्ड्स हैं, तो पांच में से दो इधर निकाल दो, दो इधर निकालो, बीच वाला बचेगा, तो बीच वाला कौन सा मिल रहा है, पांच मिल रहा है, खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, बताइए इसका आंसर सभी लोग, और एक बार सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, और इस सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए एक बार फिर से, क्या हम एक बार फिर से 800 प्लस वॉचिंग ला सकते हैं, एक बार दिल से शेयर कर दो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों डेली मेरी क्लासेस होती हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, सुबह 11:30 बजे, शाम को 4 बजे, और 5 बजे डेली एक टेस्ट होता है अनअकैडमी पर, ये फ्री टेस्ट है अनअकैडमी पर। आप ये तीनों क्लासेस अगर करते हो तो मैं यहाँ पर एक 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, यानी कि 15 दिसंबर आपके रेलवे एग्जाम से पहले 5000 क्वेश्चन रीजनिंग के करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं। तो अगर आपको भी ये 5000 क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज आप लोग आ सकते हैं इन तीनों क्लासेस में। और ये कहाँ होती है, वाईफाई स्टडी, ये जो मेन चैनल है, इसी का एक और चैनल है दूसरे नंबर का, उसका नाम है वाईफाई स्टडी स्टूडियो, जहां पर मेरी डेली क्लासेस होती है। ठीक है, चलो इसका आंसर बोलो, एफ छोटा है डी से, बिल्कुल सही है, दिख रहा है सामने, एक सिंगल वाला मिल गया। ए बड़ा है एस से, ए से एस की तरफ गए, चुड़ैल के उल्टे पैर मिल गए, तो उल्टे पैर मिलते तो वो चुड़ैल क्या होती है, डाउटफुल केस में चली जाती है, आंसर होगा ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, और आप में से किसी को भी अगर बेसिक से रीजनिंग, इंग्लिश, GAGS और मैथ्स, ये सभी सब्जेक्ट्स अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, तो यहाँ पर रीजनिंग का मेरा पूरा बेसिक बैच आने वाला है, जहां पर आपको इंग्लिश, GAGS और मैथ्स के भी फैकल्टीज आपको सारे मिल जाएंगे अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी पर, जो भी पढ़ते हैं आप जिससे पढ़ना चाहें, तो ये पूरा का पूरा बेसिक बैच दोस्तों आ चुका है 8 अक्टूबर से, और इस बेसिक बैच की अभी एक क्लास हो चुकी है, आप इस बेसिक बैच को कर सकते हैं, रात 10 बजे होता है, जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो कर सकते हैं इस बैच को, जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा 410, इस कोड को यूज करके आप ये कोर्स ले सकते हैं अनअकैडमी पर, इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाता है, और प्लस अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है इससे संबंधित, या आपके पेपर से संबंधित, या किसी क्वेश्चन से संबंधित, तो अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसको जैसे ही आप फॉलो करेंगे ना, तो फॉलो के ठीक नीचे एक मैसेज का ऑप्शन आता है, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना क्लास के बाद, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ पर्सनली, तो पर्सनली मुझसे जुड़ने का एक तरीका है, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर तो कोई भी बता देगा यार, देखो क्या करना है यहाँ पर, देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है,
मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 12 और यहाँ ब्रैकेट। मल्टीप्लाई का मतलब क्या रखा हुआ है यहाँ पर, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 8 से, और प्लस का मतलब क्या रखा हुआ है यहाँ पर, माइनस का 9। सबसे पहले अंदर वाला ही सॉल्व करेंगे, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 हो गया आपका 70, 15 चौको 60 ही तो होता है, अच्छा 60 ठीक है, तो 60 ही हो गया, 60 और 12 72, और 72 को डिवाइड कर दोगे 8 से, माइनस करना है 9 का, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, 0, निल बटे सन्नाटा, ठीक है, 0 इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब, बताइए आंसर जल्दी से फटाफट, येलो के विपरीत सतह पर कौन होगा, येलो के विपरीत सतह पर, दिनेश राजपूत, प्रिंस, शिव, राहुल, अंजू, देविका, मोना राठौर, रामचंद्र, विकास, भारती, एसएस राठौर, दीपक, पंकज विश्वास, सुरभि, सुधीर, कुमार दीपू, शर्मिला, आरजे, जय सिंह, तौफीक, अंजू, दीपक यादव, सुमन, अंजना, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर, तो भाई सभी लोग खत्म हो गया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक ही पास है कि आपको चार व्यू दिए हुए हैं, और सबसे आसान तरीका था कि अगर आप पहला और दूसरा उठा लेते, उठाने को आप कोई भी उठा लो, आंसर आपका सबसे एक ही आएगा, लेकिन सबसे आसान था, देखिए यहां पर ब्लू वाला कॉमन है, और यहां पर देखिए दोस्तों एक आपका कॉमन है ऑरेंज और ऑरेंज, तो यहां पर ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज दो कॉमन है, जब भी कोई दो सतह कॉमन होती है तो उन दोनों को छोड़कर जो बचता है वो हमेशा एक दूसरे का विपरीत कहलाता है, यानी कि येलो का विपरीत कौन कहलाएगा, वायलेट कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बोला है यानी कि वायलेट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, लगाइए आंसर फटाक से सभी लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन में 100% गुच्छा हो सकता है, आपका ध्यान रखिएगा, पहले से देखो हम इंतला कर देते हैं आप लोगों को कि किसमें गुच्छा हो सकता है, ये क्वेश्चन में गुच्छा हो सकता है मतलब हो सकता है, गुच्छा समझते हो ना, गुच्छा मतलब उठा के पटक दिया, यानी ये क्वेश्चन आपको उठा के पटक सकता है, गलत हो सकता है। चलो टाइम आउट हुआ, 20 सेकंड का समय दिया था, आपने सोचा इसमें क्या करना था, ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर लगाएंगे बी, जो कि गलत है, बी बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा, उसका कारण देखिए, बी इसलिए नहीं होगा कि आपने बोला सर यहां पर देखिए ये बर्फी बनी थी, इस बर्फी में मैंने क्या किया, एक अंदर ऐसी लाइन बना दी, मैंने कहा ठीक है भाई बना दी, तो आपने बोला ये जो आपको हेक्सागन दिया हुआ है इस हेक्सागन में भी हम एक लाइन बना देंगे, ये कौन सी बात हो गई, आपने लाइन बना दी, भाई वो लाइन क्यों बनाई, उसका भी तो कोई रीजन होगा ना, क्योंकि देखिए ये जो लाइन बनाई है ये इस बर्फी के हर कोने से जुड़ी हुई है, हाँ जुड़ी हुई है, तो अगर इस बर्फी के हर कोने से ये लाइन जुड़ी हुई है तो यहां पर तो हेक्सागन के कोने से नहीं जुड़ी हुई लाइन, तो मतलब ये लॉजिक तो फेल हो जाएगा फिर, मैं पहले ही बता दूं आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी लगा दो, चलो बेटा वो भी गलत है, अब मैं बताता हूं आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यों, कारण है मेरे पास, देखिए यहां पर जो आपके पास एक बर्फी मिली थी, इस बर्फी में मैंने ऐसी लाइन बनाई, या कह सकते हो मैंने इस बर्फी को चार टुकड़ों में तोड़ दिया, देखो एक दो तीन चार तोड़ा, क्यों, क्योंकि ये चार भुजाओं वाली थी, जब चार भुजाओं वाला था तो मैंने इसको चार टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ दिया, या कह दो चार टुकड़ों में तोड़ दिया। दोस्तों यहां पर आपके सामने एक हेक्सागन है जिसकी सतह कितनी होती है, 6, तो आप इसको कितने टुकड़ों में तोड़ोगे, आप इसको तोड़ोगे 6 टुकड़ों में, ये देखिए 6 टुकड़ों में तोड़ा है क्या, 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते होंगे 6 टुकड़ों में तोड़ा है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पहले वाले को 4 टुकड़ों में तोड़ा क्योंकि वो 4 था, दूसरे वाले को 6 टुकड़ों में तोड़ा, तो ये आंसर हो जाएगा सी, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, एक बार जरा स्कोर बताओ सभी लोग, 32 में से क्या स्कोर रहा आप लोगों का, सभी लोग अंजना कह रही ए भगवान, ये वाला लॉजिक था, हाँ भाई था तो यही लॉजिक, ठीक है समय समाप्त हो गया, यहां पर 32 में स्कोर बता दीजिए सभी लोग अपना अपना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, मिरर इमेज, मिरर इमेज समझते हो, दर्पण छवि, दर्पण कहां रखा हुआ है,
बहुत सारे लोगों ने दर्पण यही रख दिया होगा, देखें जरा इसका आंसर कितने लोगों का आता है। छह कोने थे तो छह पार्ट में डिवाइड कर दिया, या क्या तो छह सता थी, छह सता में डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, छह पार्ट में डिवाइड किया उसको। छह पार्ट का मतलब समझते हो, मतलब तीन लाइन बनाई ना आपने उस पे, समझ गए, तीन ऐसे, एक तीन यहां पर, तीन यहां पर, तो तीन और तीन छह, छह लाइन हमने बना दी उसको, खत्म, ठीक है। अरे वही मतलब छह लाइन, छह लाइन, तैतीस का आंसर किसी ने बोला बी, किसी ने बोला सी, किसी ने बोला डी, तैतीस का किसी ने बोला ए, ठीक है। जितने लोगों ने भी ए बोला है वो गलत है, जितने लोगों ने भी बी बोला है वो गलत है, जितने लोगों ने भी डी बोला है वो गलत है, और करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अब बोलो क्यों, दर्पण कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है नीचे, दिख रहा है ये दर्पण, ये लगा हुआ है दर्पण, लगा हुआ है दर्पण, अगर नीचे दिख रहा है तो इसकी छवि भी नीचे बनेगी। जब आप इसकी छवि नीचे बनाओगे बेटा, तो एक बात बताइए, जो काला वाला पोर्शन है ये तो अपनी ही साइड रहेगा ना, दर्पण के पास में जो भी इमेज होगी, ध्यान रखना मेरी बात को, दर्पण के पास में जो भी इमेज होगी वो आंसर में भी उसके पास ही में, यानी कि पहले ही आएगी, ऊपर आएगी, दर्पण नीचे रखा था ना कि साइड में। अब ये बताइए ये वाला काला हिस्सा कहाँ दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में काला हिस्सा ऊपर कहाँ है, लेफ्ट साइड में काला हिस्सा यहाँ नहीं है, लेफ्ट साइड में काला हिस्सा यहाँ नहीं है, लेफ्ट साइड में काला हिस्सा यहाँ नहीं है, आराम से देख के बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड में काला हिस्सा यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ भी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर कोई बोलता सर ये ट्राइंगल देख लेना, तो मैंने कहा देख लो भैया इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को देखो जरा कैसे बनने वाला है। तो जब आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो आप कहोगे सर ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, इस ट्राइंगल की मेरा इमेज कैसी बनेगी ऐसी, और ये कहां दिख रही है, ये देखो ये दिख रही है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। ज्यादातर लोगों के पास नारंगी स्कूटर होते हैं जबकि कुछ के पास लाल रंग के होते हैं। दूसरा कथन बोलता है लोग चमकीले रंग के स्कूटर पसंद करते हैं। नारंगी और लाल स्कूटर हमने तो कभी नहीं देखे, खैर जो भी है बोल रहे हैं तो होता होगा। निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, लोग चमकीले रंग की कार नहीं खरीद सकते इसलिए वो चमकीले रंग के स्कूटर खरीद लेते हैं। दूसरा, अधिकांश लोग अन्य चमकीले रंगों के ऊपर नारंगी को पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन, पहले सही किया फिर गलत कर दिया वर्षा ने, है ना, आगे बताइए सभी लोग। श्रेया कह रही दिखाई नहीं दिया मिरर, ये तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मिरर बिल्कुल दिखाई देगा आपको। आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से क्या होगा। देखो दोनों स्टेटमेंट से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या पहला वाला सही होगा, नहीं, क्यों, लोग चमकीले रंग की कार नहीं खरीद सकते इसलिए स्कूटर, नहीं 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 रंग की मतलब वो कार की तो बात ही नहीं हुई है, उसको हटा दो। दूसरा बताइए सभी लोग, हाँ अधिकांश लोग चमकीले रंगों के ऊपर नारंगी को पसंद करते हैं। देखिए इसमें बोला गया साफ साफ कि ज्यादातर लोगों के पास नारंगी स्कूटर होते हैं जबकि कुछ लोगों के पास लाल। इसको हमें अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं देखना है, जितना बोला गया स्टेटमेंट में हमें मानना है कि ये बात सही है। मतलब अब मान लो कि लोगों के पास नारंगी स्कूटर ज्यादा होते हैं, इसका मतलब अधिकांश लोग अन्य चमकीले रंगों के ऊपर नारंगी रंग को पसंद करते हैं। दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, देखते हैं भाई कितने लोग सही करते हैं उसको। और ये है मुश्किल से 5 सेकंड का भी नहीं है। चलिए समय समाप्त, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके रीजनिंग के क्विज का कोड जनरेट कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास वो समय आ चुका है। 20 क्वेश्चंस में आपको दूंगा,
हर क्वेश्चन के लिए दूंगा 40 सेकंड का समय, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होने वाला है? ये तो आसान था यार, एक चौकोर फिगर से एक त्रिभुज बना दिया, एक लाइन कम कर दी, इसी प्रकार से एक पेंटागन जो है इसमें एक कम कर दो तो ये बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि ये मेरी अनअकैडमी की क्लास है, ठीक है, ये मेरी अनअकैडमी की क्लास है जो कि डेली होती है अनअकैडमी पर ही, और यहां पर आपको डेली एक टेस्ट होता है, यानी कि एक फ्री टेस्ट होता है जो कि रेलवे और एसएससी लेवल का होता है। ये क्लासेस आप कर सकते हो डेली, 5 से 6 बजे इसका टाइमिंग है, और लाइव टेस्ट है सभी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए, डेली टेस्ट है, फ्री टेस्ट, सभी लोग करिएगा इसको, डेली क्लास कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये मेरी डेली का क्लास का टाइम टेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं, डेली क्लास का टाइम टेबल 11:30 की क्लास है। अगर आपको 5000 क्वेश्चन की सीरीज करनी है जो कि मैं करा रहा हूँ, 5000 रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड, तो आपको ये 3 क्लास करनी है, 11:30 वाली, 4 बजे वाली, और एक ये 5 बजे वाली, ठीक है। अगर आप इतना कर ले तो अगले 90 दिनों में, यानी कि 15 दिसंबर के पहले, ऑलरेडी ये क्लासेस काफी टाइम से चल रही है, आप रिकॉर्डेड में सेशन भी देख लेना जो आपकी छूट गई है। और दोस्तों अब समय आ चुका है आपके कोड का, सभी लोग ये कोड लिख लीजिए, कोड है 159805, 159805। ये कोड क्या है? मैं आप सभी के लिए एक क्विज अभी करने वाला हूं, ये क्विज रहेगा आपका क्लॉक और कैलेंडर के ऊपर। क्विज का समय क्या रहेगा? क्विज का समय रहेगा मुश्किल से 5 से 7-8 मिनट बस। क्या क्या रहेगा क्विज में? 20 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड का समय होगा, और क्विज का कोड इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, अपने भी मोबाइल पर आपको डालना है, आप देख सकते होंगे दोस्तों, यहां पर मैंने आपको क्विज का कोड जनरेट कर दिया है। ये क्विज कहाँ खेलना है? सभी लोग जल्दी से प्ले स्टोर से अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अनअकैडमी का एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हो, ये लाइव फ्री क्विज आप खेल सकते हो मेरे साथ लाइव, मैं और आप खेलेंगे लाइव इसको, ठीक है। अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सभी लोग, अगर कर लिया है तो आपको जो ऐसा मैं बता रहा हूं सुनते जाना। एप्लीकेशन ओपन करो, सबसे ऊपर देखना 3 ऐसी डंडी बनी होंगी, 3 लाइन, जहां पर आप गोल सेलेक्ट करते हो ना वहां पर एसएससी लिखा होना चाहिए। अच्छा, उस पे आपको क्लिक कर देना, वहां पर आप देखना एक प्लस लिखकर आएगा, प्लस पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस पे टिक करोगे आगे जाओगे, तो आगे जाके आपको नीचे देखना एक छोटा सा एक टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे भी क्लिक कर दीजिएगा। कर दिया बस, काम खत्म। आपको आगे जाकर एक ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा, यहां से आपको ज्वाइन क्विज करके और ये कोड डाल देना है। कोड क्या है? 159805। अब देख सकते हैं आप, यहां पर मेरे साथ 8 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री क्विज है, सभी को खेलना है मेरे साथ लाइव। तो जल्दी से भाई एंटर कर दीजिए इस कोड में और आ जाइए जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा जरूर सभी लोग, जल्दी से आ जाइए। किसको नहीं पता कि सर कैसे करते हैं ये, जिसको भी ये क्विज खेलना नहीं आता है, मैं बता दूं ये बिल्कुल फ्री क्विज है, लाइव क्विज होगा क्लॉक और कैलेंडर के ऊपर, 20 क्वेश्चन, 40 सेकंड का समय होगा। अच्छा, आपको क्या करना है, जैसे आप अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने के बाद इसको ओपन करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आराम से डाउनलोड कर लो, मैं वेट कर रहा हूं। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ऊपर देखोगे तो लेफ्ट में आपको 3 लाइन दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करो, वहां पर प्लस लिख के आएगा, उस पर क्लिक करो। आगे जाओगे, सबसे नीचे छोटा सा बीचों बीच में टेस्ट लिख कर आ रहा है, उस पर क्लिक करो। आगे गए, ज्वाइन क्विज आएगा, उस पर क्लिक करो, कोड मांगेगा, कोड डालो और एंटर कर दो। आगे बस उनमें, ठीक है। कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा जरूर। एंड दोस्तों 8 अक्टूबर से जो मेरा नया बैच आ चुका है, आप ये 8 अक्टूबर का बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पर। किस तरीके से करना है? रात 10 बजे होता है डेली, ठीक है, फॉर एसएससी रेलवे एंड दिल्ली पुलिस। ये बेसिक बैच होगा जहां पर आपको पूरी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट रीजनिंग पूरी बेसिक से। क्या क्या मिलेगा इसमें वो भी बता देते हैं दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, जो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है एसएससी कैटेगरी के अंदर, जाइए वहां पर अनअकैडमी की प्रोफाइल में एसएससी गोल के अंदर, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करते ही आपको नीचे एक मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, मैसेज करके पूछ लेना सर मुझे पीडीएफ कहाँ मिलेगी, प्लस कोर्स कैसे लेना है, मैं आपको डायरेक्टली उसका रिप्लाई करूंगा, मैं करूंगा उसका रिप्लाई, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आंसर्स के साथ आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी,
8 तारीख से कोर्स आ रहा है। 4410 का कोड लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। अनअकैडमी का कोई भी आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4410 का कोड उसमें लगा दीजिएगा। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है 4410 बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में। चलिए तो यहां पर ये कोड डाल दीजिए सभी लोग। दुष्यंत पटेल, मैंने आपको बताया बेटा, दुष्यंत देखिए सभी लोग ध्यान से सुनो फिर से। दुष्यंत, यहां पर आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, अगर है तो अपडेट कर लो उसको, वरना ये क्विज नहीं खेल पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक प्लस दिख रहा होगा, मतलब जब आप ओपन करोगे तो 3 लाइन दिखेंगी, उस पर क्लिक करना। 3 लाइन जो ऊपर टॉप लेफ्ट पे, उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। आगे जाओगे टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे छोटा सा बीचों बीच, उस पर क्लिक करना। आगे ज्वाइन क्विज कर देना और आ जाना। और यहां पर मैं आपको बता दूं सभी लोगों को कि 53 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं अभी तक। अगर आप लोग भी ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। 53-54 लोग ज्वाइन हो चुके हैं सभी लोग। सरिता गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। सीताराम, राधेश्याम, रोहिणी के मार्क्स आए हैं 35 में 30। वेरी गुड रोहिणी, गुड। और किसी ने अपने मार्क्स नहीं बताया यार, आपके कितने हैं 35 में 35 में आज? चलिए, सो आई थिंक कि आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से ज्वाइन करना है। मनीष, अगर आपने पास अनअकैडमी के एप्लीकेशन है तो प्लीज उसको अपडेट कर लो, वरना मिलेगा नहीं। प्लस पे टिक करिए, प्लस पे टिक करोगे सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे छोटा सा टेस्ट क्लिक कर आ रहा है, उस पर क्लिक करिए, उस पर टिक करोगे ज्वाइन क्विज आएगा, ज्वाइन क्विज करिए और कोड डाल दीजिए। मनीष, एक बात ध्यान रखना, जो ऊपर आपका गोल है ना वो SSC गोल होना चाहिए, ठीक है। यहां पर SSC गोल होगा, बैंक गोल है तो वो हटा देना, SSC गोल कर लेना। तरुण कश्यप ने करे 35 में 22, वेरी गुड। शर्मिला 35 में 30, बहुत बढ़िया। मनीष ने 32 किए 35 में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गौतम रजू कह रहे हैं सर कैसे ज्वाइन करें। गौतम, मैंने बताया अभी आपको किस तरह से ज्वाइन करना बेटा, फिर से सुन लो जैसा मैंने बताया। ये देखो हमारे साथ कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, यहां पर 62 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, जैसे ही सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे हम इसको स्टार्ट कर देंगे। आ जाओ जल्दी से सभी लोग, ये फ्री क्विज है बेटा, फ्री क्विज, कोई फीस नहीं है इसकी। दिस इज अ फ्री क्विज, कोई भी खेल सकता है इसको। कैलेंडर क्रॉक के 20 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड। नाज, ये क्विज स्टार्ट होगा, बस आप ज्वाइन कर लो एक बार, जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। ओके शर्मिला, क्विज, अच्छा कोड डालने पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है गोल, ठीक है। नहीं, जैसे कुछ लोगों का अगर UPSC गोल होगा या कुछ और होगा ना तो फिर उनको नहीं दिखाई देगा। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल फिर। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश रहिए, मजे से रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और ये जो मेरे डेली के टाइमिंग्स है इनको देख लीजिएगा सभी लोग, अगर आपने नहीं देखा है ये टाइमिंग्स नोट डाउन कर लीजिएगा। अनअकैडमी का डेली क्लास होती है 5 बजे और ये क्लासेस आपकी वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल फिर। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश रहिए, मजे से रहिए और पढ़ते रहिए।